हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कृषि प्रयोगशाला का जो पेपर हुआ है उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न आ जाएं तो आप उनको आसानी से कर सकें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके इतने प्यार से, आपके इतने विश्वास से हमारे 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। आपको पता है वीडियो में मैं बहुत कम बोलता हूं, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये आपका भी ड्यूटी है, आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वैसे मुझे पता है आप लोग शेयर करते हो तभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर वो सजेशन से ही आए हैं, जैसे सजेस्ट लोगों ने किया है उसी से आए हैं, और जो अच्छी चीज़ होगी वहाँ बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे सीधे मिले हैं। आप अपने फ्रेंड में वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, आपका काम है शेयर करने का। अच्छी चीज़ होगी वो 100% सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा। तो चलिए दोस्तों, कृषि प्रयोगशाला के जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। एक प्रश्न आया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में ही स्थित है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे। कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थे। आपको इनमें से बताना है कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जी के व्यास इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमने तो यहाँ से लेवल के प्रश्न भी देखे हैं, काफ़ी लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करवाए हैं। अब आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आपसे डेट पूछ सकता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी को सबसे पहले हल्दी घाटी या हल्दी घाटी का युद्ध नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया लिखी थी, ये उनकी बुक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हल्दी घाटी को सबसे पहले हल्दी घाटी नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। सारी डिटेल ध्यान रखनी है, कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछे आप चूके नहीं, आपका सही जाए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको संपूर्ण राजस्थान जीके में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर लिखें डेनियल क्लासेस, वहाँ पर डेनियल क्लासेस की ऐप आपको शो हो जाएगी। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आपकी राजस्थान जीके की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। टॉपिक वाइज वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वहाँ से टेस्ट दें, अपनी तैयारी को बेस्ट करें। अगला प्रश्न था, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो दोस्तों आप ऑप्शन से भी इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक ऑप्शन अपने पास है कि बप्पा रावल द्वारा, बप्पा रावल एक ऑप्शन दिया गया है, मेवाड़ के इतिहास में देखा था बप्पा रावल, तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में होगा तब बप्पा रावल आंसर होगा, तो बप्पा रावल तो इसका हो नहीं सकता। एक है अर्णोराज, अर्णोराज चौहान वंश से थे, अजमेर के थे, तो ये भी कम चांस है कि ये हो। एक आ रहा है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज भी चौहान वंश से थे। बचा नागभट सेकंड, तो इसका अपने आप ही आंसर नागभट सेकंड हो जाएगा, प्रतिहार शासक नागभट सेकंड इसका आंसर है। तो अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, जितनी अच्छी स्टडी करोगे नंबर उतने अच्छे आएंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक जरूर बैठेगा। इसलिए दोस्तों ये वो टाइम है, अच्छे से स्टडी करो, काफ़ी एग्ज़ाम आपके समय है, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम आ रखा है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी ग्रुप डी ये एग्ज़ाम भी आपके दिसंबर जनवरी के आसपास हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट तैयारी करो। रीट का एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है, उसके बाद में संगणक का एग्ज़ाम आ जाएगा, बेस्ट तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। एक आया था कि पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, पुष्कर को किसकी खेती के लिए जाना जाता है? गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर,
पुष्कर अजमेर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न था, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे, बातारी फुलवारी के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता विजय दान देथा हैं। विजय दान देथा के बारे में सारी डिटेल में आपको ट्रिक के साथ बता चुका हूँ। मेरी गारंटी है आप एक बार ये वीडियो देखें, अगर आपके वीडियो देखने के साथ साथ ही अगर याद ना हो तो कमेंट जरूर करना मेरे याद नहीं हुआ। मेरी गारंटी है 100% आपके वीडियो के साथ साथ ही याद होगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक लाता हूँ वो ट्रिक ऐसी होती हैं जिन्हें आपको रटना नहीं पड़ता, अपने आप माइंड में बैठ जाती हैं। तो एक बार ये वीडियो देखना, आपको देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है, जिन्हें हम बिज्जी कहते थे, जिनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। ये वीडियो देखना, अच्छे से आपके याद हो जाएगा। एक आया था, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। एक प्रश्न था, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला आपको बताना था किस माह में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के मेले त्यौहार शानदार ट्रिक के साथ हो चुके हैं, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं, साथ साथ याद भी हुए हैं। काफ़ी कम समय में मैंने आपको इतना नॉलेज दिया है कि आप वीडियो अच्छे से देखोगे आपके 100% याद होगा। अपनी ट्रिक क्या थी, मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया, तिलवाड़ा बाड़मेर से इनका संबंध है, चैत्र माह में ये मेला लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चैत्र माह में। एक प्रश्न था, निम्न में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, अपनी क्या ट्रिक थी? अपनी ट्रिक थी डीजे बम, डी से दिल्ली, जे से जयपुर, बम बी से बनारस, यू से उज्जैन और एम से मथुरा। काफ़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं, डीजे बम आसानी से सही हो जाएगा। तो इसमें आगरा ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, आगरा में इनकी वेधशाला नहीं थी। एक प्रश्न था, राजस्थान की ज्योग्राफी से, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, उत्खात भूमि बीहड़ भूमि के नाम से भी जानते हैं जिन्हें हम, जो उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है उसे बोलते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी भी इसे बोला जाता है। कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चंबल नदी बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि का निर्माण करती है। राजस्थान की ज्योग्राफी में सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। एक प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, सागरमल गोपा के बारे में मैंने 100 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला था, उसमें सारा सब कुछ बताया था। जैसलमेर से ये संबंधित थे, क्रांतिकारी थे जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखी थी, आज़ादी के दीवाने इन्होंने लिखी थी, तो जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, दोनों इन्हीं की पुस्तक हैं, ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि कमायचा है, कमायचा क्या है आपको बताना है, तो एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है कमायचा। एक प्रश्न था कि राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था, ये कहाँ स्थापित किया गया था? अब ये जो पेपर मैंने जहाँ से लिया है उस स्टूडेंट का भी आंसर सही है, 7 अप्रैल 2012 को इसका लोकार्पण, इसका उद्घाटन अशोक गहलोत ने किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। ये तिवरी तहसील जोधपुर में है, इसका उत्तर होगा ए, तिवरी तहसील जोधपुर, ए इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, श्रीलाल जोशी किसके प्रमुख चित्रकार हैं? इसका ऑप्शन भी फर्स्ट हो जाएगा, पट चित्रण या फड़के, पट बोल दो, चित्रण फड़के ये चित्रकार हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा इसका। तो ये राजस्थान जीके के प्रश्न आपके कृषि प्रयोगशाला एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सभी के मैंने वीडियो बनाए हैं, मोस्ट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसमें बताऊँगा, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पटवारी, रीट, संगणक, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं,
क्योंकि जो मैं आपको करवाता हूँ डिटेल से करवाता हूँ, वही चीज़ें करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। राजस्थान जीके आपको बेस्ट करना है तो डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से संपूर्ण राजस्थान जीके से आप बेस्ट कर लें। वहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी LDC की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वहाँ से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन करें, काफ़ी फ़ायदा काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलेंगी। वीडियो आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।